हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड, इस वक्त हम हैं लंबुगा रेलवे स्टेशन पे। आप देख रहे हो कि लंबुगा रेलवे स्टेशन है और हम आपकी यहाँ के जो है आपने जान लिए होंगे कि ये वीडियो किस लिए बन रहा है। तो हम आपको दिखाएंगे ये लंबुगा रेलवे स्टेशन का पुराना टिकट घर है। आप दिखा सकते हो काका, ये पुराना टिकट घर है और उसके बगल जो है एक नया टिकट घर बना, उसे बंद करके अब ये यहाँ पर दूसरा टिकट घर बनाया गया यहाँ पर। लेकिन बाथरूम शौचालय की सुविधा आज तक नहीं हुई। सर माननी चाहिए यहाँ के अधिकारियों को या यहाँ पे कर्मचारियों को कि आज तक किसी ने क्या सवाल उठाया है कि नहीं, हम उनसे बात भी करेंगे। यहाँ पे पेयजल की सुविधा के लिए जो है एक हैंडपंप है, वो भी कई वर्षों पुराना है, आज से नहीं है, काफ़ी वर्षों पुराना है। तो हम यहाँ के अधिकारियों से बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय छोड़िए, यहाँ पर अधिकारियों के लिए भी शौचालय उपलब्ध नहीं है। और अधिकारी लोग जो है जाते हैं यहाँ से जो 200-300 मीटर दूर जाके शौचालय का जो है अपना जो है प्रावधान करते हैं। शौचालय दूर जाकर हम उनसे बात करेंगे कि क्या है यहाँ। सर माननी चाहिए जो है हमारा देश आज़ाद हुए कितने दिन हुआ, ये रेलवे स्टेशन सबसे पुराना रेलवे स्टेशन भी है क्योंकि यहाँ पे अच्छी बड़ी बड़ी ट्रेनें भी रुकती हैं, जो कि लगभग शहरी इलाकों में ट्रेनें रुकने वाली यहाँ पर रुकती हैं। और उसके बावजूद यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय नहीं है। यहाँ पर महिलाएँ अगर आ जाती हैं तो महिलाओं के लिए क्या सुविधा होगी? महिलाओं को सबसे ज़्यादा, पुरुष तो कहीं भी जो है मूत्र त्याग कर देंगे, लेकिन महिलाओं के लिए क्या प्रॉब्लम होता है? हम यहाँ के शौचालय जो बन रहा है अभी आधुनिक, उसके भी दिखाएंगे आपको किस तरीके से बना हुआ है। आइए, तरीके से बना हुआ है मतलब घोटाले की कमी कहीं भी छोटी नहीं है, इसे आधुनिक शौचालय ही कहा जाएगा। इस तरीके से इसे बना के छोड़ दिया गया है और इसके अंदर जो है ना कोई जो है कुछ भी नहीं लगा हुआ है बिल्कुल। और जब मैं बोल रहा था तो वहाँ पे एक भाई साहब बैठे हुए थे, हंस रहे हैं, लेकिन उन्हें शर्म आनी चाहिए उस हंसी को, क्योंकि कल उनकी भी बहन बेटी यहाँ पे आएगी स्टेशन पर और कहीं ना कहीं यात्रा करना पड़ेगा, तो उनके लिए क्या दिक्कत की सामना होती है महिलाओं के लिए, वो तो सभी लोग जानते हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो आइए हम यहाँ के अधिकारी से बात करते हैं कि उन्होंने कभी कोई प्रोसेस किया था इसके बारे में कि नहीं। जी सर, किससे बात कर सकते हैं? अंदर आ सकते हैं सर? सर, ये शौचालय का जो यहाँ पे व्यवस्था है उसी के बारे में हमें जानकारी लेनी थी। आ जाए अंदर। सर, आपका जो है कितने दिन से यहाँ ड्यूटी लगी हुई है? हम तो जनवरी में आए हैं। ऐसा है कि सुनिए बात, थोड़ा सा उसको करिए, जो भी समस्या हमने उस समस्या बताया हुआ ऊपर है और मीडिया को डीआरएम लेवल तक के ही अधिकारी जो वहाँ से बताएंगे, डिवीजन को बिना परमिशन के हम नहीं। सर, एक बात बताइए कि ये जो है लंबुगा स्टेशन आज का तो है नहीं, नहीं पुराना है, आप कहीं कई और जगह ड्यूटी किए होंगे, ये तो है नहीं कि यही पे आपके जो है पहला ट्रांसफर हुआ है? नहीं, नहीं, तो ऐसी सुविधा आपने कहीं देखा? सार्वजनिक शौचालय तो छोड़िए, आप लोगों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है भाई? वो तो है ही है, उसका लिखा पढ़ी में किया गया, सब भेजा गया है लिखित में। सर, इसका प्रोसेस क्या हुआ? आप कितने दिन हुए थे? नहीं, प्रोसेस ये है कि हमने हमारी जो समस्या हम लिख पढ़ के एजेंट को देते हैं। जी, और करने वाले वहीं के हैं, एजेंट वगैरह ही उसको बताएंगे कैसे कितना जल्दी किया जाए। और जो ये कैमरा लगाए हैं उसके लिए डीआरएम लेवल पे वहाँ पे ही बात कर, बिना उनकी अनुमति के हम नहीं कुछ कर सकते उसमें। जी बिल्कुल, क्योंकि सर हम आपके लिए तो बात उठा ही रहे हैं, हम आम जनता के लिए भी उठा रहे हैं क्योंकि आम जनता, यहाँ पब्लिक आएगी, महिलाएँ आती हैं, बच्चियाँ आती हैं, औरतें आती हैं, उनके लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। सर, पुरुष तो जो है कहीं भी मूत्र त्याग कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन महिलाएं क्या करेंगी? लेडीज कहाँ जाएंगी? अपने बाथरूम जाना है तो उनको कहाँ जाना पड़ेगा? ये बड़ी समस्या है बाथरूम और टॉयलेट की, दोनों की। ये चीज़ हमें एक महीने से पता चला कि जो है जाइए वहाँ पर, देखिए कि जो है काफ़ी समस्या है, अधिकारी लोगों को जो है समस्या झेलनी पड़ रही है, तो जो है आम जनता के लिए कैसे होगा? आप लोगों ने क्या किया था इसके लिए? आगे अब ऐसे साहब हमारे स्टेशन जिसे उन्होंने भेजा हुआ है, हमने सूचना दिया हुआ है। जी जी, यहाँ जो ये अधिकारी सुल्तानपुर एजेंट बैठते हैं उनको हमने लिखित में सूचना दिया हुआ, बस वो आते अपना भाई चेक करके गए और कार्रवाई करना उन्हीं को है, हमारा काम समस्या को बताना है, हमने समस्या बता दिया। हमको तो लगता है कि आपसे पहले भी कई लोगों ने समस्या को बताया होगा, लेकिन ऐसे ही आती है, जाँच होती है, चली जाती है। वही है, जब हम आए तो हमने तो बताया, उसके पहले भी लोग लिख के दिए हुए हैं, अब वो करना उन्हीं को है। जी जी, धन्यवाद।
आइए, हम इनके काम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से सर ने बताया कि उन्होंने कई एप्लीकेशन बाहर अपने अधिकारियों को दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इसका प्रोसेस आके जांच करके चले गए हैं, लेकिन काम नहीं हुआ। और हमें लगता है कि ये लंबुआ स्टेशन आज का तो नया है नहीं, इसके पहले भी कई अधिकारी लोग जो है इसका जो है एप्लीकेशन दे चुके होंगे, लेकिन काम ना के बराबर हुआ। कई सरकारें आईं और गई। इस वक्त जो सरकार चल रही है बीजेपी की सरकार चल रही है। बीजेपी की सरकार जो है स्वच्छ भारत अभियान का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर चलती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें स्वच्छ भारत अभियान का तहत यह दिखाई नहीं दिया। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पे जो है एक शौचालय की सुविधा नहीं है, सार्वजनिक शौचालय छोड़िए अधिकारी लेवल अधिकारियों के लिए भी शौचालय की सुविधा नहीं है, उन्हें भी परेशानी झेलना पड़ता है। यहाँ पे पब्लिक से हम बात करते हैं लोगों से। तो भैया देखिए झांक रहे हैं, नाम बताइए भैया क्या है? मुन्ना गुप्ता। मुन्ना गुप्ता जी, आप यहाँ पे टिकट लेने आए हैं क्या? जी सर। तो बताइए आपको जो है यहाँ पे शौचालय नहीं है, आपको कैसा लगता है? नहीं, ख़राब लग रहा है, ये अच्छी बात नहीं है शौचालय नहीं है तो। अभी कोई फैमिली अपने लेकर आए, एक पुरुष होता है, पुरुष तो अपना कहीं ना कहीं त्याग कर देता है मूत्र को, लेकिन महिलाएँ क्या करेंगी यहाँ पे? महिलाएँ बेचारी परेशान हो जाएंगी। लंबुआ स्टेशन ये पहले छोटा स्टेशन हुआ करता था, लेकिन इस वक्त जो है इसको डबल कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया, सारे स्टेशनों को जो है फिर से बड़ा बनाया गया है। लेकिन इस तरीके से जो है शर्म आनी चाहिए हर सरकार को। कई 2 साल बीजेपी सरकार के हो गई है, 2 साल जो है केंद्र में भी है, 2 साल राज्य में भी है, चल रही है। यहाँ पे सोचना चाहिए शौचालय के लिए। भैया के बताइए, भैया अपना नाम बताइए। जी मनीष पाल। मनीष जी यहाँ पे आते हैं, कितने दिन से आ रहे हैं आप? मैं कई बार आता हूँ यहाँ पे टिकट लेने, जैसे यहाँ पे पता है चादर वाले भी आते हैं, कोथरा के भी लोग आते हैं यहाँ पे टिकट लेने लेने। यहाँ पे शौचालय का व्यवस्था नहीं है। भैया आपका नाम? अंतिश पाल। तो आपको कैसा लगता है यहाँ? मतलब वही समस्या है। अगर आपको मूत्र त्याग करना हो तो कैसे करेंगे? नहीं, समस्या है नहीं, हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेडीज लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। लेडीज लोगों की इसलिए प्रॉब्लम होती है, भारत सरकार जो है हर ट्रेन में कंपाउंड बना दी है, बॉक्स नीचे लगा देती है कि जो है अगर मलमूत्र त्याग होता तो पटरी पे ना आए, स्वच्छ भारत अभियान के तहत। लेकिन उसमें भी इतनी गंदगी हो जाती है, क्योंकि भारत सरकार जो है कहीं बीच बीच में बनाई हुई, बनारस से लेकर लखनऊ के बीच में बनाई हुई है को डैम को खाली किया जाए, लेकिन कभी कभी वो डैम खाली नहीं किया जाता और सुल्तानपुर तक ही जाते जाते वो भर जाती है। लोग इतनी गंदगी फैल जाती है ट्रेन की बोगी के अंदर ही। तो हम सोच सकते हैं कि किस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान का पालन हो रहा है। तो यहाँ भैया क्या नाम है छोटू? अंकित मौर्य। क्या करने आए हैं आप यहाँ पे? टिकट निकलवाने। परिवार के साथ कहीं जाते हैं? नहीं, अभी गए तो नहीं है, लेकिन जा रहे हैं कल। अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं और कहीं भी आपको त्याग प्रॉब्लम हुई तो आप शौचालय के लिए, तो आप यहाँ देखते हैं किस तरीके से शौचालय की सुविधा है। आप स्टेशन पे आना पसंद करेंगे? नहीं, कोई भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि फैमिली के साथ कोई भी आएगा तो ऐसे स्टेशन पे क्यों आएगा जहाँ पे उसके सुविधाएं नहीं है। जल के नाम पर वही सिर्फ एक हैंडपम्प लगा दिया गया है और उसके बाद कोई खास सुविधा नहीं है कि अगर इस गर्मी में ठंडे पानी की कोई हो सके। और ऊपर से जो है ये जो शौचालय की सुविधा बता रहे हैं, ये सुविधा तो आप लोग अच्छी तरीके से जान रहे हो। इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ हम वीडियो को बंद करते हैं। जय हिंद।